हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रहा है एलसीए तेजस को लेकर। तो एलसीए तेजस पहली बार किसी इंटरनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, और ये छोटी मोटी नहीं पर काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है। तो ये यूके की मल्टीनेशन कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है, जो कि एक्चुअली रेड फ्लैग और ब्लू फ्लैग के लेवल की एक्सरसाइज है। तो ये काफ़ी मेजर एक्सरसाइज होती है और इसमें अराउंड 50 के आसपास एयरक्राफ्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली है। 7 मार्च से स्टार्ट होगी और 25 मार्च तक चलेगी। तो जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से इंडियन एयरफोर्स की साइट से करीबन 5 एचएल तेजस एयरक्राफ्ट जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, साथ में 4 सपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे जिसमें टैंकर्स और कार्गो कैरियर्स जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे। बाकी यहाँ पर रॉयल एयरफोर्स के यूरोफाइटर टाइफून होंगे, रॉयल सऊदी एयरफोर्स के टाइफून होंगे, साथ में उनके टोर्नेडोज भी होंगे। साथ ही साथ माना यह जा रहा है कि रॉयल एयरफोर्स के जो F-35s हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सरप्राइज आ सकता है रॉयल सऊदी एयरफोर्स की तरफ से उनके F-15 के साथ, यानी कि उनके F-15s भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बेल्जियन F-16 भी होंगे, स्वीडिश ग्रिपेन भी होंगे, और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर टॉप एसेस के एयरफोर्स स्काईहॉक भी होंगे। तो अभी इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि टॉप एसेस एक प्राइवेट कंपनी है जो कि डिफरेंट एयरफोर्सेस को ट्रेन करती है। तो इस कंपनी के जो एयरक्राफ्ट हैं वो A4 स्काईहॉक होंगे, जो कि मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट होंगे, और इनको फ्लाई करेंगे टॉप एसेस के प्राइवेट पायलट्स, जो कि काफ़ी क्वालिफाइड कनेडियन, जर्मन और अमेरिकन ओरिजिन के पायलट्स हैं। इवन इसमें टॉप गन ग्रेजुएट्स भी हैं। तो ये एलसी तेजस के लिए पहली इंटरनेशनल एक्सरसाइज है। तेजस डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस में पार्ट लेता रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइजेस है और काफ़ी डिफरेंट तरह के जो एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, एडवांस F-35 से लेकर विंटेज A4 तक। तो ये एक्सरसाइजेस जो हैं वो एक्चुअली इंक्लूड करेंगी डिफरेंट वॉर गेम्स को, यहाँ पर डिफरेंट टीम्स बनाई जाएंगी और फिर ये यहाँ पर एक दूसरे के अगेंस्ट में कम्पीट करेंगे। तो बिल्कुल रेड फ्लैग की तरह ही एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है, जिससे एयरक्राफ्ट की और क्र्यू की वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता लगेगा, और फ्यूचर में जो टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज हैं उसको शेप करने में ये काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चाहे कोई भी एयरक्राफ्ट हो, F-16 की बात कर लें, Su-30 MKI की बात कर लें, चाहे रफाल की क्यों ना बात करें, इन सारे प्लेटफॉर्म की कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। आपको स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करना है और वीकनेस को दुश्मन से दूर रखना है, और ये एक्चुअली उभर कर सामने आती हैं जब आप डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट के साथ में और उनके अगेंस्ट में कम्पीट करते हैं। डोमेस्टिकली भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा काफ़ी वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं, चाहे हम Su-30 MKIs की बात कर लें, MiG-29 की बात कर लें, चाहे हम फ्रेंच ओरिजिन के मिराजेस और रफाल की बात कर लें। तो डेफिनेटली वो हेल्प करता है इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को शेप करने में, लेकिन वहाँ पर हम बात कर रहे हैं 5th जनरेशन फाइटर्स की, और काफ़ी एडवांस 4.5th जनरेशन फाइटर की, जो इंक्लूड करते हैं यूरोफाइटर टाइफून और सऊदी F-15s। साथ ही साथ इन मशीन्स को ऑपरेट करने वाले जो पायलट होंगे उनकी टैक्टिक्स भी डिफरेंट होंगी, साथ ही साथ काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट्स भी यहाँ पर होंगे। जैसा कि हमने बताया, टॉप एसेस जैसी कंपनी जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है, जिनके पायलट जो है वो टॉप गन ग्रेजुएट्स हैं। तो इससे बेटर पहली इंटरनेशनल एक्सरसाइज एलसीए तेजस के लिए नहीं हो सकती। लेकिन ये चीज़ भी हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि अभी तक किसी इंडियन सोर्स ने, यानी कि ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स ने कन्फर्म नहीं किया है कि एचएल तेजस पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट जहाँ से आ रही है वो काफ़ी रिलायबल सोर्स है, और ये हम मान के चल सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 90% कन्फर्म है। बाकी इंडियन एयरफोर्स की एक और एक्सरसाइज जो है वो करंटली चल रही है, एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKIs, जैगवार्स और मिराजेस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं पर रॉयल ओमानी एयरफोर्स के F-16s यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि ये एक्सरसाइजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, डिफरेंट एयरफोर्सेस के एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और ये 6th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। बाकी और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे फॉलो ऑन वीडियोज़ में। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।